कि हमारे प्रिंसिपल साहब पर हमला हुआ है और वो सिविल हॉस्पिटल में। सीधा सीधा धमकी देकर जा रहे हैं कि आप बाहर मिलना, आपको हम चौक पर देख लें। उनका एक ही टारगेट रहता है कि परीक्षाओं में विघ्न डाला जाए और नकल धड़ल्ले से चलवाई जाए, उनको स्टूडेंट्स को या बाहरी तत्वों को पकड़ा जाए और सजा दी जाए ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी सबक मिले। परीक्षा का समय है और हम सब लोग शक्ति कर रहे हैं परीक्षा में, शायद उसी का परिणाम ये रहा हो। हम किसी भी कीमत पे असामाजिक तत्वों को अपने कॉलेज का माहौल खराब करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। गुरुवार को रोहतक में कैसी घटना घटित हुई, टीचर समाज जो है मान रहा। रोहतक के वैश्य कॉलेज बॉयज कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत कर रहे एक प्रिंसिपल को आरोपियों द्वारा मारपीट की जाती है और उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। वैश्य कॉलेज रोहतक के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर अध्यापक उनके समर्थन में उतरे हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है, इतनी है कि वो बात भी नहीं कर सकते। हमारे साथ टीचर जो हैं इस वक्त जुड़े हैं। सर किस पद पर हैं आप? डॉक्टर एन सी गर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसोसिएट प्रोफेसर। सर ये इस घटना को आप किस तरह देखते हैं और कब आपको इस बात का पता लगा? मैं यहाँ से 15 तारीख को सेकेंड मीटिंग में 2:15 यहाँ से गया था और ये स्टार्ट हो चुकी थी परीक्षाएं, सुचारू रूप से चल रही थी और उसमें हमने अच्छी तरह से उसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया था। और उसके बाद लगभग 4:30 के करीब मेरे पास यहाँ से फ़ोन गया कार्यालय से कि हमारे प्रिंसिपल साहब पर हमला हुआ है और वो सिविल हॉस्पिटल में। मैं वहाँ से सिविल हॉस्पिटल गया और वहाँ देखा कि वो हमारे प्रिंसिपल साहब घायल थे और वहाँ पर पुलिस भी थी और उनकी स्टेटमेंट ले रही थी। हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और हम सभी लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, मान रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना भारी पड़ गया? बिल्कुल भारी पड़ गया जी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइडर बच्चे हैं, हमें एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी साथ लगते कुछ गाँव के ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हर समय यहाँ घूमते रहते हैं। और ये भी यहाँ तक भी हमारे नोटिस में आया है कि कुछ बच्चे तो एग्जामिनेशन जब चलती है उस समय कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं और उनका एक ही टारगेट रहता है कि परीक्षाओं में विघ्न डाला जाए और नकल धड़ल्ले से चलवाई जाए। और हम टीचर्स क्योंकि अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं इसलिए हम डटे रहते हैं उस नकल को रोकने के लिए, तो हम उनकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं और उसकी घटी इसी किरकिरी का अंजाम है हमारे प्राचार्य के साथ हुई ये निंदनीय घटना, जिसका हम पूरा स्टाफ मिलकर पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं और हम अपने प्रिंसिपल के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। जी मैडम, बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जैसे आप एग्जाम में ड्यूटी दे रहे हैं तो बहुत बार आपको असामाजिक तत्व क्लास में आकर आपको धमकी दी जाते हैं कि आप बाहर देख लेना, आपको रोड पर हम देख लेंगे, ऐसी बात भी कई बार स्टूडेंट्स ने हमको बोली गई है। तो कंप्लेंट नहीं की गई आपके द्वारा किसी को? हमने प्रिंसिपल सर को बोला था, फिर कई बार क्या है यहाँ पर पुलिस जो SHO सर आते हैं उनकी भी ड्यूटी लगी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे हल्की हल्की होती चली जाती है। लेकिन हम जब क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो भी असामाजिक तत्व क्लासरूम में आते हैं आउटसाइडर्स, और वो क्लास में घुसकर और फिर वापस चले जाते हैं। हमें कई तरह की परेशानी होती है। हम ये चाहते हैं कि जो बाहर के असामाजिक तत्व हैं हमारे कॉरिडोर में या हमारे कैंपस में ना आए। अच्छा, ये स्टेशन के पास आपका कॉलेज लगता है, यात्रीगण भी यहाँ से गुजरते हैं, किस तरह असुरक्षित महसूस करते हैं कुछ लोग? इस माहौल में आप पढ़ा रहे हैं, कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मैं तभी तो कह रही हूँ हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे आके और आपको सीधा सीधा धमकी देकर जा रहे हैं कि आप बाहर मिलना, आपको हम चौक पर देख लेंगे। और इसका नतीजा आप देख भी रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर को जो चोट लगी है वो सीधा सीधा नतीजा भी है कि भाई इस टाइप से घटना हो गई है उनके साथ। और डर ये लगता है मैडम, हम मतलब सभी मोस्टली अभी क्या है लेडीज स्टाफ है और लेडीज के साथ वो तो फिजिकल एजुकेशन के थे जो ये हादसा मतलब सहन कर गए। अगर हम में से कोई और होता तो शायद से ये इतनी जो मार पिटाई है सहन भी नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम तो फिर परिवार की तरफ से भी दबाव रहता कि ड्यूटी छोड़ दो? फिलहाल हमारी डिमांड ये है ये जो भी कुछ हुआ है उनको स्टूडेंट्स को या बाहरी तत्वों को पकड़ा जाए और सजा दी जाए ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी सबक मिले कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। अच्छा, उन आरोपियों की पहचान हुई है?
नहीं अभी हम ये नहीं कह सकते, ये तो पुलिस ने उनकी जांच का विषय है कौन है, लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पर एक PCR तैनात रहे, और क्योंकि इतनी सारी संस्थाएं हैं वैस एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं हैं, यहाँ विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं और सब आते हैं, सुरक्षित रहें इसके लिए एक PCR जरूर यहाँ तैनात रहे हमारे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कोई विशेष जो सभी बातें अभी हुई हैं उसके मद्देनजर एक स्पष्ट संदेश ये है कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपना काम करने से बिल्कुल डरता नहीं है और ना ही डरेगा। हम किसी भी कीमत पे असामाजिक तत्वों को अपने कॉलेज का माहौल खराब करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। जिसके साथ हमारे जो बड़े भाई जो हमारे प्रिंसिपल के साथ जो कुछ भी हुआ है, हम इस घड़ी में बिल्कुल इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, और ये डेफिनेट है कि यदि कोई विद्यार्थी वो कॉलेज का है तो कॉलेज का विद्यार्थी वो नहीं रहेगा, उसका रस्टिकेट किया जाएगा, और यदि वो बाहर के लोग हैं यदि उनको प्रशासन गिरफ्तार करते बहुत अच्छी बात है, यदि हम में से किसी ने उनकी पहचान कर ली तो हम तुरंत प्रभाव से उसकी रिपोर्ट थाने में या SP साहब को देके आएंगे। हम इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का यहाँ पर आके कॉलेज के माहौल को खराब करने की कोशिश करे। जी बताइए। वहाँ पास के कैमरों में वीडियो क्लिप मिली है जिसमें 3 बच्चे एक बाइक पे हैं, उन्होंने मुंह ढका हुआ है, वो पुलिस वालों को मिल चुकी है, हम चाह रहे हैं कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन सबको। अच्छा उस दिन पूरी क्या घटना घटी थी? यहाँ से लगभग 3:40 पर वो यहाँ से निकले थे और जैसे घर जा रहे थे तो यहाँ व्यायामशाला के पास में जैसे ही मोड़ से मुड़े तो वहाँ पर अचानक से कुछ बाइक सवार लोगों ने उनको रोक लिया और लगभग संख्या में 4 थे वो लगभग जैसा कि उन्होंने बताया हमें, और उनके हाथ में कुछ स्लाइडर्स वगैरह थे राड वगैरह की, और उन्होंने उनको कोई संभलने का मौका दिए बगैर उन पर हमला कर दिया। किस कारण से मान रहे हैं ये पूरा हमला हुआ होगा? देखिए ये तो अभी हम नहीं कह सकते, हम तो ये कह सकते हैं कि परीक्षा का समय है और हम सब लोग सख्ती कर रहे हैं परीक्षा में, शायद उसी का परिणाम ये रहा होगा। कारण तो वो पकड़े जाएंगे तब उन्हीं से पता लगेगा। जी बताइए। हमारा 100 से ज़्यादा टीचिंग का और नॉन टीचिंग का स्टाफ और सब ने आज हमने काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रकट किया है ताकि प्रशासन की नींद खुले और वो अपना एक्टिव इसमें सहयोग दे और हमें सुरक्षा दे। अच्छा की डिमांड करें जी, ये प्रचारे के साथ पूरी घटना घटी हुई है, मान रहे हैं टीचिंग या नॉन टीचिंग के साथ भी हो ही सकती है अगर प्रचारे के साथ हुई है? मैडम ये पहले भी हुई है, इससे पहले भी 2-3 बार ये ऐसी घटना हो चुकी है और ये बहुत ही निंदनीय अपराध किया, ये जानलेवा हमला था, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आगे भी हमारी ड्यूटी है एग्जाम लेना और ये कर रोकना हमारी ड्यूटी है, हम मर जाएं तब भी हम करेंगे, हम ये नहीं कर सकते घर वालों ने दबाव दे दिया हम नहीं दे सकते, हमारी ड्यूटी वो हमको हम नहीं चाहते होंगे तब भी हमें करनी पड़ेगी जी। क्योंकि हम इससे बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट से हम बंधे हुए हैं, हमारी ड्यूटी एग्जाम लेना और उसको सुचारू रूप से चलाना, और आगे ऐसा ना हो हम प्रशासन से SP साहब से DC से हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ, हमारे प्रधान जी पूरा टाइम हमारे साथ थे, उस टाइम भी उन्होंने पूरा हमारा हमारे सरकार ट्रीटमेंट करवाया है, वो हमारे साथ हैं बिल्कुल, लेकिन हम प्रशासन से SP साहब से और DC साहब से और रिक्वेस्ट करते हैं सभी कॉलेज में चलावा, कल एक MKJ के कॉलेज से एक लड़की अगवा कर ली गई, कोई भी ऐसे सुरक्षित नहीं है, बच्चा सुरक्षित नहीं है, स्टाफ सुरक्षित नहीं है, तो कैसे क्या होगा? तो हम तो यही चाहते हैं कि स्टाफ की सुरक्षा की जाए, DC साहब से SP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो इस मामले में संज्ञान ले। कल हमारे प्रशासन की काफी ढील है इस मामले में, बिल्कुल है, कल हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम भी आए थे वो भी कह रहे थे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जितने भी कॉलेज हैं सभी सड़कों पर होंगे और इसका पुरजोर एजिटेशन करेंगे। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे प्राचार्य के साथ जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ, और ये पहली बार हुआ है मैं मेरे 40 साल के जीवन में इतने एक जानलेवा हमला, इसकी हम निंदा करते हैं, ऐसे पहले और कभी नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन कातिलों को हथियारों को जो है आरोपियों को गिरफ्तार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी यहाँ पर बता दें कि इवन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर खड़े हैं जो एग्जाम देकर बाहर निकले हैं और इसी का ही प्रोटेस्ट करते हुए, स्टाफ का यही कहना है कि यहाँ पर एक PCR जो है या फिर PCO जो है यहाँ पर तैनात की जानी चाहिए क्योंकि वेस्ट कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी में और भी कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, बच्चों के भविष्य को उजागर कर रही हैं, बच्चों के भविष्य को सपोर्ट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, लेकिन बात वही आकर खत्म होती है कि क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कल एक छात्रा को अगवा कर दिया जाता है कॉलेज के बाहर से, कॉलेज के प्रिंसिपल पर इस तरह का जानलेवा हमला किया जाता है, तो क्या प्रशासन सो रहा है? कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।
को।